सिरमौर जिले में नियमों को दरकिनार कर राष्ट्रीय उच्च मार्ग 7 का निर्माण किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के दिशा निर्देशों को अनदेखा कर यहां पर ब्लास्टिंग की जा रही है, जिसके कारण लोगों को आए दिन जाम की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि लगातार हो रही ब्लास्टिंग से पर्यावरण को भी भारी नुकसान पहुंच रहा है और आने वाले समय में भी इसके गंभीर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। जो NH 707 है, इसमें दिन को ब्लास्टिंग हो रही है। दिन को ब्लास्टिंग नहीं होनी चाहिए और दिन को लोगों को परेशानी होती है। इसमें एक एक घंटे का जाम लगता है और दिन को परेशानी होती है जो पब्लिक को, वो नहीं होनी चाहिए। ये ब्लास्टिंग करते हैं, ये रोड पे लोगों के लिए तकलीफ है कि कोई बीमार है, कोई मतलब ये जल्दी रास्ता नहीं देते, रास्ता देने में उल्लंघना करते हैं। जाम क्या, कभी आधा घंटा, कभी घंटा भर, कभी तो 15-20 मिनट में निकाल देते हैं जब गाड़ी बहुत बढ़ रहे हैं। वहीं SDM कपूटा राजेश कुमार वर्मा ने बताया कि निर्माण कार्य में ड्यूटी कंपनी द्वारा ब्लास्टिंग की कोई इजाजत नहीं दी गई है। उन्होंने कहा कि अगर नियमों को अनदेखा कर निर्माण कार्य में ब्लास्टिंग की जा रही है तो संबंधित लोगों पर अवश्य कार्रवाई की जाएगी। समय बता रहे हैं आप, जो ब्लास्टिंग की जो घटना घट रही है, जो काम कर रहे हैं, इस बारे में कोई भी हमारे कार्य से तो कोई परमिशन नहीं मिली हुई है। तो इस बारे में ऐसा है कि अगर वो ब्लास्टिंग कर रहे हैं, जैसा आपने मुझे वीडियो भी दिखाया है, तो उसमें जो है हम नियमानुसार उचित कार्रवाई हम करने वाले हैं इनके खिलाफ।